पुलिस ने सोमवार सुबह अंबासा थाना क्षेत्र के बेतबगान क्षेत्र में एक संदिग्ध वाहन से बड़ी मात्रा में सूखी भांग बरामद की। अंबासा पुलिस 6 पहिए वाले कंटेनर वाहन HR55W9081 से बड़ी मात्रा में सूखे भांग को बरामद करने में सफल रही। एक साक्षात्कार में अंबासा उपमंडल पुलिस अधिकारी सुमन मजुमदार ने कहा कि पुलिस 61 पैकेटों में 732 किलोग्राम सूखी भांग बरामद करने में सक्षम रही। पुलिस वाहन के चालक और सहचालक मनोज कुमार ठाकुर और अभिनाश कुमार ठाकुर को भी गिरफ्तार करने में सफल रही। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पूरे राज्य में ऑपरेशन संजीवनी चल रही है और अंबासा अनुमंडल पुलिस इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रही है और लगभग हर दिन अंबासा थाने की पुलिस नशीले पदार्थों के किसी न किसी मामले में सफलता हासिल करने में कामयाब हो रही है, लेकिन पुलिस की ये पहल जारी रहना चाहिए। अंबासा अनुमंडल के लोग यही चाहते हैं। कहाँ से गाड़ी लूट के खड़ी थी हम लोग को? गाड़ी खड़ा था, हम लोग बाहर बाद में आया। ये गाड़ी कहाँ से लूट करके ले आया तुम लोग? हम लोग लौटने के हैं सर। हाँ, तुम लोग कहाँ से ले आया गाड़ी? हम लोग ये अपना क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप है, अपना ये लिलियामोरा से कहाँ जा रहे थे? वहाँ ठहरा था, ये खड़ा था पेट्रोल पंप, वहाँ से तुम लोग को दिया है गाड़ी लेके जा रहे? लेके आया। कहाँ जा रहे पहले जनवे लेते? नाम क्या तुम्हारा? नाम मनोज कुमार था। तुम्हारा? দেখিং এক কতটুকু কী সাফল্য হয়েছে? অ্যাকচুয়ালি এটা সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল, তো যে এটা গাড়িতে এইচআর নাম্বারে গাড়িতে কেনাবিজ আছে বলে, তো এতদিন যে আজকে সকালবেলা স্পেশালি রাখা লাগানো এবং পুলিশ পার্সোনালিটি দিন না গাড়িটা আমাদের টার্গেট গাড়ি ছিল HR55W9081। এই গাড়িটাকে ডিটেইন করার পরে গাড়িটাকে সার্চ করা হয় ইনস্টিটিউটে পুলিশে, গাড়িতে সার্চ করা আমরা 61 প্যাকেট সব সঙ্গে 732 কেজি হয়েছে। দুজন লোক মনোজ কুমার ঠাকুর এবং অবিনাশ কুমার ঠাকুর তারা গাড়িতে ছিল, ড্রাইভার অ্যান্ড কোড্রাইভার, ওদেরও ডিটেইন করা হয়েছে। লিগাল প্রসেস শুরু করেছি, দেখা যাক কী বেরিয়ে আসে আর কোথায় যাচ্ছে গিয়ে আসছিল। এইগুলো ডাটা স্যার কোথায় থেকে আসছিল এরকম? এটা অ্যাকচুয়ালি দিস ওয়াজ কামিং ফ্রম আগরতলা, তো ফার্দার ডিটেইল আদৌ।